इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 23 जून 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध प्राचीन द्रोण मंदिर शिवबाड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊना जिला में स्थित है। याद रखिएगा द्रोण मंदिर शिवबाड़ी, इसको आपने हमेशा याद रखना है कहां पर स्थित है, ऊना जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। और वर्तमान में आपको पता है कि लेह लद्दाख के क्षेत्रों में चीन के साथ में थोड़ा सा गतिरोध सीमाओं पे देखने को मिल रहा है, तो इस दृष्टि से भी ये काफ़ी सामरिक दृष्टि से बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन है। तो इसके लिए जो सरकार के द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चली हुई है, उसे थोड़ा सा तेज कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल की समग्र शिक्षा के लिए एडवांस में कितना बजट जारी किया है? 58 करोड़ रुपये जारी कर दिया गया है। और समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए 850 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार 100 और स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। आपको ज्ञात होगा गत वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो उनके प्राइमरी स्कूल थे उसी के साथ में प्री प्राइमरी स्कूल भी शुरू किए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पर देखने को मिला था। कोविड-19 के बीच 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्य के लिए कितनी धनराशि जारी की है? तो 120 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 162वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता की गई माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। और इस बैठक में ये टारगेट भी सेट किया जाता है कि जो हमारी वित्त वर्ष चल रहा है इसके अंदर प्रदेश सरकार को कितना रेवेन्यू राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है। BBN स्थित ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फेबीफ्लू नाम से कोरोना की दवा को बाजार में उतारने के लिए किसके द्वारा मंजूरी प्रदान दी गई? तो हिमाचल दवा नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा से मंजूरी दी गई और केंद्र सरकार के द्वारा इसको पहले से ही मंजूरी दे दी है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाउन एंड कंट्री की 2020 के लिए जारी की गई सूची में भारत की किस महिला समाजसेवी को कोविड-19 महामारी के बीच 20 परोपकारियों की सूची में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है नीता अंबानी। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लिख के बताइएगा नीता अंबानी के बारे में आप क्या क्या जानते हो। 21 जून 2020 को मनाए गए 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? प्रश्न मैंने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था, अक्सर मेरी कोशिश रहती है कि जिस दिन आप लोगों से उस डे के बारे में बताऊं अगले दिन उसका थीम भी हम लेकर ही आते हैं। तो इसका थीम था योगा एट होम विद फैमिली। नेक्स्ट वन इज, भारत द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कब की गई थी? अक्टूबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और नोटबंदी भी आई थिंक 2016 में ही हुई थी। ये सारे फैक्ट्स आजकल विभिन्न तरह के आर्टिकल में हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उधर सीमा पे भारत और चीन के बीच में गतिरोध हुआ, इस तरह के फैक्चुअल जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो आजकल अखबारों में आना शुरू हो चुके हैं। ये भी काफ़ी फेमस प्रश्न है कि डोकवाद विवाद पर भारत तथा चीन के बीच कब सहमति बनी थी? वर्ष 2017 में बनी थी। आपको होगा कि बेसिकली जो डोकलाम विवाद है ये चीन और भूटान का क्षेत्र है, लेकिन भारत का भी उससे सटे हुए क्षेत्र है, तो भारत की सामरिक दृष्टि के लिए वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो भारत भी उसमें कूद गया था। लेकिन वर्ष 2007 में काफी अच्छी डिप्लोमेटिक सोच के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझा लिया गया था। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रूम वेयर इट हैपन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है जॉन बोल्टन। याद रखिएगा ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। इनकी किताब के ऊपर बैन लगाया गया था लेकिन अभी अप्रूवल मिल चुका है, तो कुछ ही दिनों में किताब आएगी और एक प्रश्न विभिन्न तरह के कंपिटेटिव एग्जाम में हमें देखने को जरूर मिलता है। अमेरिकी वायुसेना द्वारा किस महिला को उनमा चीफ मास्टर सार्जेंट चुना है? तो इनका नाम है जोएन एस बॉस। आपने याद रखना है हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी के साथ किसी अमेरिकी सैन्य सेवा के में शीर्ष एनलिस्टेड लीडर चुनी जाने वाली पहली महिला भी बन चुकी है। अक्सर मैं आप लोगों की बात करता रहता हूँ कि जब कोई फीमेल चाहे हमारे देश की बात करें या बाहर की दुनिया की बात करें कोई पहला काम करती है तो कंपिटेटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेना को हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए तक की खरीदारी का अधिकार दिया है? तो 500 करोड़ रुपए तक के अधिकार सेना खरीद सकती है। यदि उन्हें लगता है कि सामरिक दृष्टि से काम करना अति आवश्यक है तो नो नीड फॉर द गवर्नमेंट अप्रूवल। नेक्स्ट वन इज, वर्ष 1996 और 2005 में किन दो देशों के बीच सीमा पर सैनिकों द्वारा हथियारों का इस्तेमाल न करने पर आपसी सहमति समझौता किया था? तो ये भारत और चीन के बीच में होता, वर्ष याद रखिएगा 1996 और 2005, अमर उजाला समाचार पत्र से लिया गया है। देखिए, आपने देखा होगा जब ये झड़प हुई थी तो उसमें हमारे सैनिक भी नियत थे, लेकिन दूसरी तरफ से जो मीडिया के माध्यम से हम सबके सामने आया तो उन्होंने क्या किया था, जो चाइना के सैनिक थे जैसे रस्सों के उसके जो उनके पास लकड़ी के उन्होंने डंडे थे उसके ऊपर उन्होंने लोहे की रोड़े बांध दी थी, किले गाड़ दी थी, तो उससे हथियार किया गया जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारे वीर जवानों को। थोड़ा सा आप लोगों से मेरा निवेदन भी रहता है कि जब कोई इस तरह की घटना होती है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के सैल्यूट किया करें इस तरह के बहादुर वीर जवानों, क्योंकि जब हमारी सीमाओं पर इस तरह की सजग मुस्तैदी से हमारे सैनिक काम करते तभी हम लोग सुरक्षित, तभी हम लोग वीडियो बना पा रहे, तभी आई थिंक आप लोग भी सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने की कोशिश जरूर किया करें। अब आपको मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड में एक ऐसी किताब से रूबरू करवा दूं जो कि काफ़ी बेहतरीन हो सकती है, आपकी तैयारी में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये किताब बनाई गई है विशेष तौर से कम्पिटेटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए। किताब के पहले पार्ट में आपको संक्षिप्त सारगर्भित अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, दूसरे पार्ट में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जब आप उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपको पार्ट वन में जो आपने पढ़ा होता है कितना महत्वपूर्ण है उसका स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। जब हम इस तरह की कंप्लीट अध्ययन सामग्री पढ़ते है जिसमें संक्षिप्त नोट्स हो जिन्हें हम जल्दी पढ़ सके, सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही किताब लिखी गई हो और उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए जाते हैं, देखिए इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हमारे दिमाग में एक विजन बन जाता है कि कंपिटेटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उसका पैटर्न है, और यही चीजें देखना आपको किसी ना किसी सरकारी नौकरी में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होती है। ये हम लोग अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत ही उत्कृष्ट किताबें हैं, लॉकडाउन के बीच में आप इन किताबों के साथ में आगे बढ़िएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ये सारी बुक्स 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पहुंच जाती है, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।